वेलकम बैक टू द हैप्पीनेस बॉक्स विद सैबी. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप आप सब काफ़ी अच्छी हेल्थ में हो गए. सो आज हम आए हैं पुणे के एटमॉस्फेयर 6 रेस्टोरेंट में, जो कि पुणे का बहुत ही हैपनिंग रेस्टोरेंट है और बहुत ही फेमस है. रूफटॉप रेस्टोरेंट है ये, विमन नगर में लोकेटेड है. जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. यहाँ पे डिफरेंट तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स है. आप ये देख सकते हो कितना क्यूट सेटअप सा लगा है. यहाँ पे बर्थडे पार्टीज़ के लिए, एनिवर्सरीज़ के लिए ये बेस्ट प्लेस है. आई थिंक इस तरह का जो सेटअप है वो मुझे बहुत ही क्यूट लगा. सो एज अ कपल अगर आप आ रहे हो सो यू कैन मस्ट विजिट हियर एंड आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो. एज अ फैमिली भी अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के सिटिंग अरेंजमेंट्स और है. ये रेस्टोरेंट जो है ये काफ़ी फेमस है पुणे में और आप यहाँ पे आके इन्जॉय कर सकते हो. और बहुत ही रिजनेबल रेट्स है यहाँ के खाने के, इट्स नॉट दैट कॉस्टली. क्या प्राइजेस है खाने के, क्या टेस्ट है खाने का, क्या लोकेशन क्या है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ब्लॉग गाइस. सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस एंड डू नॉट मिस द एंटायर ब्लॉग. वॉच इट टिल एंड गाइस. सो ये इस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट भी आपको मिल जाएगा. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. हाई टेबल्स के जो सिटिंग अरेंजमेंट्स होते हैं वो एनी हाउ बहुत अच्छे लगते हैं पार्टीज़ में, या अगर आप ड्रिंक कर रहे हो या आपको एक अच्छा स्पेस चाहिए देन दिस इज़ वन ऑफ देम. यहाँ पे जो सामने डेकोरेट किया हुआ था, एम्पल अमाउंट ऑफ लाइटिंग है यहाँ पे. रात में आपको रियली बहुत अच्छा यहाँ से व्यू मिल जाएगा. लाइटिंग बहुत अच्छी थी यहाँ पे, हर जगह पे इन्होंने लाइटिंग्स की अरेंजमेंट बहुत अच्छी की हुई थी. साथ ही साथ बैठने के लिए बहुत अच्छे अरेंजमेंट थे. देखिए सामने किसी का बर्थडे है और उसके लिए उन्होंने वहाँ पर पूरा डेकोरेट किया हुआ है. इसी के साथ साथ अगर आप और थोड़ा आगे जाएंगे तो ये रूफटॉप होने की वजह से जो एंटायर व्यू है बाहर सिटी का, पुणे सिटी का, वो बहुत ही बढ़िया है. इस साइड पे आपको पूरी वाइट चेयर्स मिल जाएगी, पूरा वाइट कलर का बैकग्राउंड आपको इस साइड पे देखने मिलेगा. इसी के साथ साथ अगर आप उस साइड पे जाओगे जो नेक्स्ट साइड हम जाने वाले हैं, दिस इज़ द एंजल का, ये फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है. यहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोग्राफ क्लिक करी जो इंस्टाग्राम के लिए बहुत ही अच्छा है. आप रील्स भी बना सकते हो यहाँ पर. इसी के साथ साथ जो है ना नेक्स्ट जो बैठने का अरेंजमेंट है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. तो वहाँ पे आपने वाइट देखा, यहाँ पे आप देखिए पूरा बेटर टुगेदर लिखा हुआ है. बहुत ही अच्छा हैप्पी बर्थडे का जो है वो एंटायर सेटअप किया हुआ है. और ये दूसरा सिटिंग अरेंजमेंट है. सो ये क्यूट सिटिंग अरेंजमेंट्स के एग्जैक्ट सामने आपको एक डाइनिंग, फाइन डाइनिंग का भी अरेंजमेंट मिल जाएगा, टेबल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप इंजॉय कर सकते हो. सो बिकॉज हम फैमिली आए थे तो मैं यहाँ पर नहीं बैठ पाई. अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं तो ही ये आपको रिजर्व करना चाहिए. और जब भी आप यहाँ पर आते हैं प्लीज़ बुक द रेस्टोरेंट इन एडवांस, बुक द सीट इन एडवांस, बिकॉज आपको मिलेगी नहीं यहाँ पे सीट. बहुत रश होता है यहाँ पे. और आप देख सकते हैं बाहर का व्यू कितना स्टनिंग लग रहा है. यहाँ से आप आराम से यहाँ पे अपनी ड्रिंक इंजॉय कर सकते हो. बाहर का एक रूफ टॉप का जो व्यू है पुणे सिटी का वो आप इंजॉय कर सकते हो. दिस इज़ द बार काउंटर. आप देख सकते हो कितना क्यूट बार काउंटर है यहाँ का. यहाँ पे हाई चेयर्स की ये डिफरेंट सिटिंग अरेंजमेंट है जहाँ पे आपको दूसरा सिटी का व्यू दिखता है. सो इस साइड से जो सिटी का व्यू है वो भी बहुत ही कमाल का है. एंड आई थिंक इट इज़ द मस्ट विजिट प्लेस इन पुणे. और अब खाने का टेस्ट कैसा है, इसका प्राइस कैसा है, सब कुछ ओवरऑल हम आगे इस व्लॉग में देखने वाले हैं. सो अब खाने में मैंने ऑर्डर किया था मसाला पापड़, जो कि ऑब्वियसली एज ए स्टार्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो इट वॉज़ वेरी नाइस एंड क्रिस्पी. इसके अलावा मैंने खाने में बहुत सारी वेज एंड नॉन वेज डिशेस ऑर्डर की थी, जो कि हम यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं कि कैसा टेस्ट है इसका. सो हमने यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने चाइनीज़ ऑर्डर करने का था. मनचाओ सूप मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे जो है पुणे में थोड़ा सा वेदर अच्छा था, ठंड सी थी, तो मुझे कहा कि मनचाओ सूप मैंने ऑर्डर करना चाहिए और थोड़ा टेस्ट करना चाहिए. सो पुणे का वेदर जो है मुंबई के मुकाबले काफ़ी अच्छा था. काफ़ी मतलब ठंडा भी नहीं, पर हाँ बहुत ही सूथिंग जो था वेदर था. एंड आई रियली लव द वेदर ऑफ पुणे. सो मैंने यहाँ मनचाओ सूप ऑर्डर किया था. अगर मैं टेस्ट की बात करूँ सो इट वॉज रियली रियली नाइस. मुझे इसकी कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो कुछ अराउंड 250 रुपीज़ के आसपास की इसकी कॉस्टिंग थी. थोड़ा सा मिड प्राइसिंग था लेकिन टेस्ट अच्छा था. और एम्बियंस के हिसाब से आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द गुड थिंग. प्राइजेस भी काफ़ी हाई लेवल के नहीं थे बट अफोर्डेबल प्राइजेस है. आप आके इन्जॉय कर सकते हो अपना डिनर. सेकेंड चीज़ जो हमने ऑर्डर की थी वो था चिकन टिक्का, और वो मुझे काफ़ी जूसी दिख रहा था. खाने में भी काफ़ी, टेस्ट में भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी जूसी था. और इसके साथ जो सैलड सर्व किया हुआ था
वो भी काफ़ी टेस्टी था। तो ओवरऑल इनकी नॉनवेज आइटम्स भी काफ़ी अच्छी है, अगर आपको ट्राई करनी है आप ट्राई कीजिए। मैंने इसी के साथ रोटी ऑर्डर की थी जो काफ़ी फ्लफी थी और बहुत अच्छा लग रहा था, साथ ही सूप भी अच्छा था। सो इसके बाद मैंने ऑर्डर की थी चिकन बिरयानी। सो बिरयानी वाज ओके ओके, मुझे बिरयानी इतनी खास नहीं लगी, टेक्सचर वाज ओके ओके, बट चिकन टिक्का एंड सूप वाज वेरी नाइस। इसी के साथ साथ उन्होंने रायता सर्व किया था और प्याज सर्व किया था। सो अगर अब बिरयानी की बात की जाए तो टेस्ट ओके ओके था, टेक्सचर भी ओके ओके था। सो अगर आप बिरयानी लवर नहीं हो और ये आपको बिरयानी खाना पसंद है इन केस, सो आप कोई और अच्छी प्लेस आई थिंक ढूंढ सकते हो, बट ओवरऑल ओके ओके टेस्ट था। यहाँ पे आप चिकन टिक्का ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत जूसी था और बहुत अच्छा था। इसी के साथ साथ मैंने और भी डिशेस ऑर्डर करी, मुझे यहाँ पे वेज सेक्शन भी ट्राई करना था, तो मैंने पास्ता ऑर्डर किया और पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस। जो जिस तरह से उसने सॉर्ट किया था डिफरेंट वेजिटेबल्स के साथ में और गार्लिक ब्रेड के साथ में, मुझे पास्ता का जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन था वो बहुत अच्छा लगा। खाने की बात भी हम करें कि टेस्ट में कैसा था। सो गाइस, म्यूज़िक की आवाज़ काफ़ी थी इसीलिए मैं आपको अब बताती हूँ कि पास्ता कैसा था। पास्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी तरह से कुक हुआ था, क्रीमी टेक्सचर था काफ़ी। अगर आपको क्रीमी टेक्सचर पसंद है देन डू नॉट मिस इट। आई रियली लव द ब्रेड एज वेल, ब्रेड भी काफ़ी क्रंची एंड सॉफ्ट थी। काफ़ी वेजिटेबल्स पुट ऑन किए हुए थे, ब्रोकली थी, जुकूनी थी, बेल पेपर था। सो आई वुड से पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ का और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ ट्राई करना है इटालियन में, सो डू नॉट मिस द पास्ता, यू कैन गो फॉर इट। सो ओवरऑल आप देख सकते हो कितना क्रीमी है और कितना अच्छा लग रहा है और उतने अच्छे तरह से कुक भी हुआ है। आप अगर इसमें वेजिटेबल्स की बात करें तो डिफरेंट तरह के वेजिटेबल्स उन्होंने डाले हुए हैं, ब्रोकली है, बेल पेपर्स है, मशरूम है, कैरेट है, एंड आई जस्ट लव दिस सॉफ्ट सॉफ्ट पास्ता विद दिस लॉट्स ऑफ माई फेवरेट वेजिटेबल्स। सो मैंने जो है अपना पास्ता इन्जॉय किया यहाँ पे, आई रियली थिंक इट्स वर्थ ओवर हियर। इसी के बाद मैं यहाँ पे आपको डेजर्ट के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बिकॉज हमने इतना सारा कुछ ऑर्डर किया था एंड वी वर वेरी फुल बाय द टाइम वी फिनिश्ड ओवर हियर। सो दैट्स इट गाइस, यहाँ पे मैंने इतना ही खाना ऑर्डर किया एंड मी एंड माई मॉम वर इन्जॉइंग द इवनिंग। सो गाइज, यहाँ पे अंदर एक डिस्को रूम भी है जहाँ पे बहुत ही अच्छा बार का सेटअप है, और अगर आप यहाँ पे कभी कोई पार्टी करने आ रहे हो सो एंट्री फ्री है, आप आ सकते हो और यहाँ पे आप जम के जो है वो डांस कर सकते हो। और एम्बियंस आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है, डीजे यहाँ पे लाइव है, आप आराम से इंजॉय कर सकते हो।
सो दैट्स इट गाइज, वी आर ऑल फिनिश विद आर व्लॉग. अगर आपको व्लॉग पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय.